प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में सीखेंगे। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातुओं के सामान्य उदाहरण हैं लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, सोना। अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और कार्बन। फिर धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कर लेते हैं। भौतिक गुणों में नंबर एक है धात्विक चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, अधातुओं चमकीली नहीं होती। आयोडीन ही एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। नंबर दो, कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटासियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नंबर तीन, रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तरल रूप में पाई जाती है। आघात वर्ध्यता। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता। अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती, उनको पीटकर पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती। नंबर पाँच, तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस गुण को कहते हैं तन्यता। अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी कि अधातुओं को खींचकर पतली तारों के नहीं बना सकते। नंबर छः, विद्युत और व ऊष्मा के चालक। धातुएं सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा और मरकरी विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसी अधातु है, कार्बन का प्रारूप है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट आपने देखा भी होगा, पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और सेल जो होता है उनके बीच में एक रोड जो होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। घनत्व नंबर 7 पे है घनत्व। सामान्यतः धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है और इनका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटासियम का घनत्व और गलनांक कम होता है। अधातुओं का घनत्व और गलनांक भी कम होता है। उसके बाद है ध्वनिक। ध्वनिक उस गुण को बोलते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ध्वनि उत्पन्न करती है। तो धातुएं जो हैं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वो आवाज़ पैदा करती हैं, इस गुण को बोलते हैं ध्वनिक। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। नंबर 9, ऑक्साइड। ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक धातु है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है ये क्षारकीय होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर अधातु है तो उसका ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। उसके बाद है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। नंबर एक पे इसमें है वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। एग्जांपल है इसके कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, 2Cu प्लस O2 फॉर्म्स 2CuO। तो कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड कैसा हो जाता है? काला।
एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। Al प्लस ओ टू फॉर्म्स Al2O3। मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे जो राख बनी थी वो क्या था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो इसको जब हम अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटासियम वायु में आकस्मिक अचानक से आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेग मार्ग से साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत होती है जो इसको जलने नहीं देती, इसलिए उस परत को हटाया जाता है। आयरन जो है, लोहा, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और सार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एग्जाम्पल दिया है इसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है। Al2O3 प्लस 6HCl फॉर्म्स 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में H2O जल। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2 प्लस में H2O। वास्तव में ये उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं, जब वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो सारकों की तरह बिहेव करते हैं, और जब सारकों से अभिक्रिया करते हैं तो अम्लों की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है।